बाल श्रम उन्मूलन संबंधित बैठक एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सहायक श्रमायुक्त वी के श्रीवास्तव, समाज कल्याण अधिकारी सप्त ऋषि, श्रम परिवर्तन अधिकारी अमित प्रकाश सिंह, उज्ज्वल कुमार त्रिपाठी, बी राम अभिमन्यु पाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बाल श्रम में लगे बालकों को चिन्हित कर उनके पुनर्वास सहित उनकी शिक्षा और भरण पोषण करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। जब तक आप विजिट नहीं करेंगे तब तक कैसे पता लगेगा कि बाल श्रम यहाँ पर समाप्त हो गया है? जी, प्रधान को एक परिवर्तन दी गई जी, और समितियाँ वगैरह कैसी चल रही है सभी को जी, इससे उनकी एक टीम बना के उसको एक डेट करके हम लोग उस डेट में वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, उसको देखते हैं। अकेले भी देख सकते हैं लेकिन बेहतर होगा टीम के माध्यम से अगर इसको किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पीएससी और वीडियो इन सब लोगों की एक संयुक्त टीम होती है जो इंस्पेक्शन करती है, जाँच करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसका कुछ करना है तो उस टीम के माध्यम से ही किया जाना ज़्यादा बेहतर। तहसील को वीडियो नहीं देता, वीडियो जो देंगे वो तहसीलदार नहीं देता, तो इस टीम को गठित करने में समय वेस्ट होगा जी। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जी, और देखिए किसी भी ढाबे में, किसी दुकान पर या कहीं कोई बाल श्रम कर रहा है या नहीं, सिर्फ वॉच करके सर्वे करके लाइए कि जो हमारी समितियों ने ये घोषित कर दिया कि बाल श्रम समाप्त हो गया, अवैध कब्जेदारों को देखते हैं या सब्जी बेचने वालों के सोर्स के लिए बच्चों को वो लगा देते हैं कि कुछ पैसा कमाए, ये उनकी आर्थिक मजबूरी है। तो और समाप्त करने का जो कह दिया कि समाप्त कर दिया गया, तो फिर क्या उन्हें आपने आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया उन परिवारों को जिनके बच्चे बाल श्रम करते हैं? इसमें कोई योजना है आपकी? सर ऐसा है कि नया सफेदा में रोजगार मिली आपको, साथी के लिए रहते हैं।